राम राम भाइयों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक वैगनार गाड़ी है या फिर आप लेना चाहते हैं, प्लान कर चुके हैं वैगनार गाड़ी लेने का, तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वैगनार गाड़ी के साथ आपका हाईवे पे किस तरीके का एक्सपीरियंस होने वाला है हाईवे पे इस वैगनार गाड़ी के साथ, और किस तरीके से परफॉर्मेंस ये लॉन्ग डिस्टेंस पे दे सकती है, कितना स्टेबल होकर चलती है, ब्रेकिंग सिस्टम किस तरीके से है, कंट्रोलिंग अच्छा है कि नहीं है, क्या वैगनार हाईवे पे हाई स्पीड पे रन हो सकती है, अगर हो सकती है तो कितने स्पीड तक ये सेफ फील कराती है, कहीं हीटअप जैसी कोई समस्या तो नहीं होती जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप वैगनार ड्राइव करते हैं। तो इस वीडियो में आपको इन सारी बातों का जानकारी मिल जाएगा, तो वीडियो पे बने रहे। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए बात करते हैं वैगनार हाईवे एक्सपीरियंस का। वैगनार में हीटअप जैसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे। आप इस गाड़ी से बड़े आराम से लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, बट आपको इस बात का ध्यान रखना होगा जब आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 100 किलोमीटर जब आप कंटिन्यू ड्राइव कर लें तो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दें और खुद को भी, फिर आप उसके बाद कंटिन्यू इसके साथ कर सकते हैं। इस तरीके से आप कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। अब बात करते हैं कि वैगनार गाड़ी हाईवे पे कितना सेफ फील कराती है, कितने की स्पीड पे चलने तक ये कंट्रोलिंग हो जाती है, और इसका जो स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से काम करता है हाईवे पे, कितना स्टेबल होकर चलती है। वैगनार के साथ सेफ की जब बात आती है तो सबसे पहले इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग आपको पता है 2 स्टार मिला हुआ है, दूसरा बिल्ड क्वालिटी मारुति की है, तो यहाँ आप समझ गए कि कितना सेफ है। और दूसरा मेक श्योर आपको करना है कि आपको वैगनार गाड़ी के साथ कितना सेफ होके चलना है। कहने का मतलब ये है कि वैगनार के साथ आप सेफ तभी फील करोगे जब आप इसे तरीके से चलाओगे। इसको आप हाईवे पे 80 से 90 की स्पीड के बीच में चलाएं तो आपके कंट्रोल में गाड़ी रहेगी और स्टेबल भी रहेगी, ब्रेकिंग भी इसका सही से काम करेगा। बट अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर जाती है, स्टेबल भी नहीं रहती है, ब्रेकिंग इसका बहुत अच्छा वर्क नहीं करता है। वैसे भी इसका जो ब्रेकिंग है वो उतना मुझे इफेक्टिव नहीं लगता है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके गाड़ी रुकती है। वैगनार के साथ हाईवे पे एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा और आप सही से ड्राइव करके सेफ फील भी कर सकते हैं। चलने में वैगनार के साथ कोई भी ऐसा इशू दिक्कत नहीं आता है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।